अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद दारिफ और आप देख रहे हैं पनाज 24 न्यूज़ लाइव। ओके नाज़रीन, इस वक्त हम लोग कराची के मशहूर बाजार ट्रैक सेंटर में खड़े हुए हैं और यहाँ पे चूँकि नाज़रीन मौसम की सूरत हाल बहुत बदलती चली जा रही है, मौसम में कुछ खुशगवार होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों से मालूम करते हैं कि इनका क्या ख्याल है। लेकिन नाज़रीन साथ साथ ही एक मसला और भी है कि बजट आ चुका है और यहाँ पे कारोबारी लोग हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि वो उनका इस बजट के बारे में क्या ख्याल है, क्या अपनी राय रखते हैं और साथ साथ लोड शेडिंग और गर्मी के हवाले से भी उनसे मालूम करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं पनाज 24 लाइव। इस वक्त हम लोग एक कराची के बहुत मशहूर बाजार जैसा बाजार में खड़े हुए हैं और यहाँ पे कराची का काफ़ी अभी रुझान बहुत ज़्यादा है, तो और साथ साथ नाज़रीन यहाँ पे जैसा कि सबको पता है कि कराची के में गर्मी बहुत पड़ रही है और ऊपर से नया बजट भी आ चुका है, तो और यहाँ पे लोग कारोबारी लोग हैं, इनसे हम मालूम करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। तो ये हमारे साथ एक भाई है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना नाम बताइए। अविनाश, तो अविनाश सर आपको आपका गर्मी के बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी गर्मी कराची में है उससे ज़्यादा गर्मी हमारे शहर में बहुत है, फिर भी हम ट्रैवलिंग करके अपने कारोबार के हिसाब से कराची आते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें टैक्स लगाई है, आवाम तो पहले से ही पीसी हुई है और उसको दोबारा पूछा जा रहा है, तो गर्मी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बेहतर यही होगा कि अपने सर पे कपड़ा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और लोड शेडिंग के बारे में क्या करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर लोड शेडिंग के बारे में नाम उसका क्या करें, हमारे यहाँ 24 घंटे में 20 घंटे तक लाइट होती नहीं है और उसके अलावा लाइट होती है तो 10 मिनट बंद करते हैं, 10 मिनट ऑन करते हैं, लोड शेडिंग के हिसाब से जितना होता है तो आप कोशिश करेंगे सोलर से इस्तेमाल कीजिए। जी अविनाश साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मौजूद हैं एक और शहरी, आइए इनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? सैयद अहमद सर, आपका क्या ख्याल है जो नया बजट आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हर साल बजट आता है वो आवाम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बटन होता है, बिजली वगैरह गिरता है, लेकिन हमारे अरबाब अख्तियार नहीं करेंगे इस तरह का बजट बनाएंगे आवाम के लिए क्या रुझान रखना है सहूलत है। इसलिए तो महंगाई तो होती चली जा रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन आवाम को हमारे जो बजट बनाने वाले हैं कोई रेट का ख्याल रखते हैं, आया पब्लिक को फौरी सुबह आटा दाल चावल पेट्रोल ये सब जो हम बढ़ाए रहा तमाम उनको किस तरह कंट्रोल करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जी बिल्कुल। और ये जो इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो योगी जो जो डिफरेंट पॉलिसी दिखाई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी लेकर आए तो वो लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आवाम के सामने कौन नहीं आएगा, इसके सम्राट जब आवाम के सामने आएंगे जब बताइए तो अभी तो हमें बताइए बड़ा बिल्कुल और नाम नज़र आ, जब वो सामने आएगा और आवाम के लिए फ़ायदा होगा तभी वो बैठा रहेगा। इमरान खान साहब बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए लेकिन अब आवाम तक कब तक पहुँचेंगे ये तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह मिलते हैं। जी नाज़रीन जैसा कि देखा ये एक आम शहरी थे सैयद साहब, इनके इन्होंने अपनी राय दी प्राइम मिनिस्टर और पॉलिसीज़ के बारे में, तो अब हम वापस चलते हैं पनाज, मैं हूँ मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मैं हूँ पनाज 24 न्यूज़ लाइव।